कोरोना कर्फ्यू में भीड़ ने जाम कर दी सड़कें। जब कोरोना काल में है भीड़ का ये हाल, तो सोमवार को खुलने के बाद कहीं हो ना जाए बेहाल। बरेली में अभी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन भीड़ पुलिस के रोके नहीं रुक रही है। जब सोमवार को कर्फ्यू खुलेगा तो क्या हाल होगा? बाजारों की सड़कों का शोचनीय है। शुक्रवार को सड़क से लेकर बाजार तक लोगों की भारी भीड़ रही। सड़कों के किनारे सब्जी और फल बेचने वाले ठेलों पर लोग उमड़ पड़े। पुलिस ने ठेले वालों को गलियों में नहीं भेजा। डेलापीर मंडी से लेकर कुतुबखाना, सिटी सब्जी मंडी से लेकर बाहर काफी भीड़ रही। स्टेडियम रोड से लेकर कुतुबखाना रोड तक गाड़ियों का रेला लगा रहा। रोडवेज के साथ प्राइवेट ट्रैफिक चलने की वजह से शहर के दोनों बस अड्डों पर भारी भीड़ रही। कोरोना संक्रमण के खतरे से लापरवाह कई लोग बगैर मास्क के भी नजर आए। श्यामगंज बाजार में भी काफी भीड़ लगी रही। ओवरब्रिज के नीचे से लेकर चौराहे तक गाड़ियों की लाइन लगी रही। लॉकडाउन में भी दुकानों और ठेलों पर खरीदारी करने वालों की वजह से भीड़ भाड़ हो रही है। आम दिनों के मुकाबले ही सड़कों पर जनता का हुजूम दिखाई दे रहा है। श्यामदगंज, सिविल लाइन्स, डेलापीर व मीरा की पेट के आसपास के सभी इलाकों पर फल के ठेलों का भीड़ लगी हुई थी। वहीं इन जगहों पर कुछ दुकानें भी खुलती हैं, जहां पर लोगों की भीड़ जुटी रहती है। लॉकडाउन में होम डिलीवरी को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए लोग सड़कों पर वाहनों को दौड़ा रहे हैं। वहीं लगातार फर्राटा बढ़ रहे वाहनों की पुलिस अब चेकिंग भी नहीं कर रही है, जिससे बेफिक्र होकर सड़कों व चौराहों से लोग गुजर रहे हैं। जाम की स्थिति अभी भी बनी हुई है।